हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लो जी, आज का ब्लॉग शाम से शुरू हो रहा है और शाम का टाइम है। अभी 3 बजने वाले थे यहाँ पे और मैं आ गई थी अपने खेतों में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमारे खेतों में लगी है सरसों, और सरसों बहुत ही ज़्यादा घनी नहीं है और बहुत ही प्यारी लग रही है। सरसों के बीच में अगर आज इस समय आप फ़ोटो खिंचवाओगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए, माबिया अभी खेल रही थी, पहले मेरी माबिया वीडियो बना रही थी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बारिश आने वाली है अभी, तो मैं गाय को कर दूंगी अंदर शेड के, और घास मैंने कट कर दिया है। तो माव्या देखिए, आजकल मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दी है। माव्या की थोड़ी सी सपोर्ट अभी मुझे मिल जाएगी। लाडू लगा इसको, लाडू ला ना, लाडू ला। मारेगा तेरे को? मारता है? फिर चलो चलो, हम जा रहे हैं। चलो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमारा काम हो चुका है और घास वगैरह काट लिया। ऊपर से मौसम बारिश का है, एकदम बारिश आने वाली है। मौसम बहुत ही ज़्यादा बरसने वाला हो गया है, कभी भी बारिश आ सकती है 10-15 मिनट के अंदर। अभी जैसे बूंदें जो है, बूंदें टप टप कर रही हैं। ये देखिए बूंदें पड़ रही हैं, बिल्कुल पाइप के ऊपर भी आप देख सकते हैं जैसे बूंदें पड़ी हुई हैं। तो ये बारिश अभी पड़ने वाली है। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा घर पे। चलो माव्या, घर पे चलते हैं। माव्या इधर खड़े हो जा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मुझे साथ साथ में कपड़े भी उठा लेने हैं, क्योंकि बारिश अभी छोटी छोटी बूंदे टपक ही रही थी, तो मैंने सोचा कि कपड़े जो है गीले हो जाएंगे। तो चलिए अभी मैं फटाफट से कपड़े भी उठा लेती हूँ। और माव्या देखिए, पीछे से वीडियो शूट कर रही है, तभी तो कैमरा इतना ज़्यादा हिला रही है। तो मैं इसको बोल रही थी कि एक जगह पे खड़े होके मेरी वीडियो को बनाओ। तो अच्छा लगता है जब कोई वीडियो बनाए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे मैं थोड़ी अकेले में दिक्कत होती है, कैमरे को उठा के बार बार साइड पर रखो, ऐसे रखो। तो ये दिखा देती हूँ आपको यहाँ का मौसम। अभी समय जो है 5:30 का टाइम हो गया था यहाँ पे। तो चलिए अभी मिलते हैं सीधा आपको खाने पे। तो फ्रेंड्स, खाना वाना हो गया था हमारा, और ये टाइम यहाँ का हो रहा था अभी रात का 9 बज गए थे। तो ये आप सबको मैं बता देती हूँ, ये जो मैं मसाले ली हूँ ना, ये मैं बाखर वड़ी बनाने जा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप कितने मसाले हैं, तिल है, सौंफ है, नारियल का बूरा है, और जीरा, धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक, सब कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया है। और चलिए अभी इसको मिक्स कर लेते हैं फटाफट से। तो ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छे से इसको पीस लेना है आपने, ताकि इसका जो दरदरा है वो इसका फाइन कर लेना है इसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने सारे मसालों को दरदरा सा पीस लिया है। अभी मैं इतना ज़्यादा भी नहीं पीसना है इसको कि इसका एकदम पेस्टी बन जाए, बूनी बनाना है, दरदरा सा रखना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है इसको, प्लेट में खाली कर लेते हैं अपने इस मसाले को। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मुझे बनानी है इमली की चटनी। तो इमली भी की चटनी भी मैं साथ साथ में बना लूँगी, साथ में लगाऊँगी अभी डो। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इमली मेरी जो है बॉइल हो चुकी थी, इसको मैंने गर्म पानी में बॉइल करके रखा था। और अभी मैं इसको बिल्कुल पलप जो है इसके अलग कर दूंगी, बिल्कुल अच्छे से हाथों से मसल लूँगी इमली को, मसल ली है मैंने। और यहाँ पे देखिए, तड़का डाल दिया मैंने, जीरा डालना थोड़ा सा और कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा धनिया डालो, और ऊपर से जो है आप इस चटनी जो आपकी इमली आपने मसल के रखी थी वो डाल दीजिए। ऊपर से आपको डालना है गुड़। गुड़ आप कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब जैसा भी आपके पास अवेलेबल है गुड़ वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला था, देसी वाला गुड़, ये डाल दिया मैंने, इससे भी अच्छा जो है टेस्ट आता है। और चलिए अभी इसको, मैंने मेरे पास एक हाथ में फ़ोन पकड़ा था, इसलिए मैं इसको अच्छे से ग्राइंड नहीं कर पा रही थी। और चलिए ऐसे ही मैंने इसको हिला हिला के ही इसको मैंने पीस लिया था अच्छे से। तो यहाँ पे अभी चलिए, अभी हमारा चटनी तो बनके तैयार हो गया, अभी मुझे डो लगाना है। तो फटाफट से 2 कप मैं मेज़रमेंट इसका रखी हूँ, 2 कप मैंने लिए हैं बेसन मैदे के, और आधा कप मैंने लिया था यहाँ पे बेसन का।
तो बेसन आपको इसलिए डालना, थोड़ा सा खस्ता बन जाएगा। अगर सिर्फ मैदा लोगे ना तो मैदा बिल्कुल टूटेगा भी नहीं, मैदा जो है एकदम सख्त चीज़ बनाता है। तो अगर आप थोड़ा सा बेसन इसमें डाल देते हो तो थोड़ा सा क्रिस्पी बन के आता है। मैंने बेसन और मैदा इकट्ठा करके इसमें थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा डालेंगे अभी इसमें नमक और थोड़ा सा जो डालेंगे रिफाइंड ऑयल, जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं वो वाला ऑयल, सरसों वाला मत डालिएगा, बाकी आप कोई भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, या तो ये डाल लीजिए या तो घी डाल लीजिए। और चलिए अभी देखिए उतना ही डालना जितना आपको आपका जो मोल लग जाए इस आटे को। और देखिए आटे को मोल लगाने के बाद मैंने मुट्ठी बंद करके देखना है आपको कि मोल अगर जब आपकी लग जाएगी तो आपको मुट्ठी बंद करके इतना ही आपको लगाना है। ये देखिए मुट्ठी बन रही है ना, समझो कि आपकी मोल अच्छे से लग गई है। तो चलिए अभी आटे को धीरे धीरे पानी डालकर आटे को गूँथेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी इसमें पानी, और मैंने एक गिलास पानी ले लिया, आधा कप एक कप तक आपका पानी यहाँ पे लग जाएगा इतने से आटे को। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला था और अच्छे से इसका जो है डो लगाना है। देखिए मैं किस तरह से आटे को गूँथ रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और मैंने देखिए बिल्कुल हाथों से मसल मसल के इसका डो लगाया है। अगर आप एक बिल्कुल इकट्ठा एकदम पानी डाल दोगे ना तो आपका डो जो है बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा और फिर जो अच्छे से डो नहीं लग पाएगा। और आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके डालोगे ना तो बहुत ही अच्छा डो जो लग के तैयार होगा आपका। तो चलिए अभी मैं फटाफट से आपको डो लगा के दिखाती हूँ किस तरह का आपको आटा चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा आटा अच्छे से लग चुका है, और आटा बिल्कुल आपको टाइट सा रखना है, जैसे कि चपाती बनाते हैं ना तो धूड़ी आटे की सूखे आटे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह का आपको आटा बेल के रखना है, गूँथ कर रखना है। और इसके बाद देखिए मेरा जैसे आटा हो गया तो मैंने एक पेड़ा लोई लेकर बड़ी सी लोई लेनी है और चारों तरफ उसको बेलकर इस तरफ चार कोण बना लेना है हमें चपाती। तो चारों तरफ से इसको कट कर लेना है, जो साइड्स होंगी इनकी मोटी वाली वो कट कर देनी है। और अभी आपको रोल बनाना है, इसमें आप पहले जो मीठी चटनी बनाई थी वो वाली लगानी है, उसके ऊपर से आपको जो मसाला बनाया था वो लगाना है। और इसको बस अभी राउंड राउंड कर कर इसका रोल बना लेना है अच्छे से। और देखिए मेरा यहाँ पे रोल बहुत ही अच्छे से बन गया था, आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, आप भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे बहुत ही अच्छा बनेगा। मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, ये सिर्फ मैंने आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मेरे पास ना मैं दूसरा वाला चाकू ढूँढ रही थी, दांतों वाला चाकू जिसके दांत होते ना छोटे छोटे वाले, वो वाला ढूंढ रही थी, वो वाला चाकू मुझे नहीं मिल रहा था अभी। तो फिर मैंने इसी से कट करना, बड़े वाले चाकू से कट किया, फिर भी अगर दांतों वाला होता उससे अच्छे से कट होता है, जो कि ऐसे मतलब जो आटा है ना वो आगे पीछे नहीं होता है दांतों वाले चाकू से, तो इसके साथ थोड़ा सा अच्छे से सफाई कम आती है। तो फिर भी मैंने काट लिया है, कोई दिक्कत नहीं आई थी मुझे। तो चलिए अभी इसको करते हैं फ्राई। देखिए अभी मैंने अच्छे से एक रोल तो बना लिया है, बहुत ही देखने में इतना प्यारा लग रहा था, तो जो खाने में तो लाजवाब भी होगा ना। तो चलिए अभी देखिए मुझे फ्राई करनी है, और आपको जितनी बनानी है आप उसी हिसाब से जो ऑयल रखिएगा। डीप फ्राई होगी तो जल्दी से हो जाएगा, सैलो फ्राई होगा तो उसको उल्टा पलटा करना पड़ता है। तो जहाँ पे देखिए मेरी जो बाखर बड़ी है वो बनकर तैयार हो रही है। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ये पहली बार ही बनाई हूँ, मैं पहली बार बनाई हूँ, तो यहाँ पर मेरी बाखर बड़ी बनकर दूसरी बार रेडी हो गई है। तो बस इतनी सारी मैंने बाखर बड़ी बना ली थी, मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाई थी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा ये। तो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी ये स्नैक्स, ये मेरा वादा है, क्योंकि बच्चे चटपटी चीज़ें खाना बहुत ही पसंद करते हैं। अगर आप भी बनाएंगे तो आपके घर में आप जैसे बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं टिफ़िन में, ज़्यादा नहीं 3 से 4 तो भेज ही सकते हैं। तो देखिए बाखर बड़ी बनके रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग 10:30 का टाइम हो रहा है अभी, तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।